व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हुए हैं मसान नदी घूमने के लिए। तो इस मसान नदी का बात किया जाए तो इसमें खास है जो आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे दिख रहा होगा ये पूरा पानी ही पानी है, बहुत गहरा पानी है। और इससे जुड़ा ही एक और ओवर ब्रिज बना हुआ है जिसको हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। इस मसान नदी में मैं और मेरा दोस्त स्नान करने के लिए उतरे हुए थे। आप देख सकते हैं मेरा दोस्त ये जो है, तो ये रहा मेरा दोस्त अर्जुन। हेलो। तो हम लोग इधर जा रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मसान नदी में नहाया जाए। तो हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। आपको जिस ओवर ब्रिज के बारे में दिखाने का जिक्र हम लोग कर रहे थे, उसको ये जो पीछे दिख रहा है हम लोग दिखाएंगे। इसका विशेष जानकारी मेरा दोस्त अर्जुन देगा आगे का जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, तब तक हम लोग स्नान कर लेते हैं। फाइनली अब हम लोगों ने स्नान कर लिया है, अब निकलेंगे यहाँ से कपड़े पहन के, दिखाएंगे आपको ओवर ब्रिज और बताएंगे उसके बारे में। एक लौता ऐसा ओवर ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। तो चलिए बताते हैं और दिखाते हैं इस ओवर ब्रिज को, बना रही है हमारे सब लोग में। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से दिखाएंगे इस ब्रिज का ओवर व्यू आपको। तो अभी हम पुल के नीचे हैं ब्रिज के, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुल का ओवर व्यू नीचे से। ये पूरा पानी है, पानी सूखने का नाम नहीं लेता है यहाँ पे, पानी सालों साल रहता है। ठंडी के समय भी पानी यहाँ पे मतलब बराबर रहता है, और बारिश के दिन में तो पूछिए नहीं, काफ़ी बारिश होती है। पूरा जंगल क्षेत्र है जिसके वजह से पानी कम नहीं होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी मैंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो ऊपर चलेंगे तो आपको माइक से रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे। तो अब आपको आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ा इंक्रीज दिखाई दे रहा होगा, तो हमने माइक कनेक्ट कर लिया है अपने मोबाइल से। रहा मेरा दोस्त अर्जुन जो ड्राइव करेगा। तो चलते हैं पुलिया के नीचे से ऊपर, ओवर ब्रिज के नीचे से ऊपर। स्माइल कर दीजिए। वैसे तो आदमी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा मुस्कुराता भी है, दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो अब बैठ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी होगा स्टार्ट। अब हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ। तो ड्राइविंग का कारोबार संभाल रहा है मेरे प्यारे मित्र हरदिल अजीज, अर्जुन कुमार राठौर। अर्जुन जी, आपको भी कभी आने का मौका मिले। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नज़ारा पुल का है, जो नीचे से ऐसे दिखाई देता है। काफी अच्छा सुंदर पुल है, ये ओवर ब्रिज है। इसको तो हमारे गांव के क्षेत्र में इसको पुल ही बोलते हैं, तो पुल नहीं है, ओवर ब्रिज मानिए इसको। इतना बड़ा पुल तो नहीं है बनता है, जितना बड़ा है। तो ऊपर चलेंगे या तो आपको इसका दूरी भी माप के दिखाएंगे कितना होता है इसका दूरी। रास्ते काफी खराब है जिसके वजह से गाड़ी भी संभाल के चलानी पड़ रही है, मेरा दोस्त है जो ड्राइविंग कर रहा है। तो अभी हम लोग जिस ओवर ब्रिज को दिखाने की बात कर रहे थे, तो लास्ट फाइनली हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। और नीचे का यह दृश्य है, देखिए कितना घुमाव है। और ये जो ओवर ब्रिज है पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, तो हम लोग अभी पश्चिमी तट की तरफ में हैं। अब तक अक्षर में लिखा हुआ है भारत नेपाल सीमा पर पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल बेतिया, हमारा जिला जो पड़ता है बेतिया, तो उसके द्वारा बना हुआ है। और ये हमारा गाड़ी जो ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है,